कोई कहते हैं कल संख्या है, कोई कहते हैं तीनों हैं और कोई कहते हैं तीनों नहीं है। ये पांच मत, इसके संबंध में पांचों मत प्राप्त होते हैं और सिद्धांत लय संग्रह में, सिद्धांत लय संग्रह में इनका विशद विवेचन है। तो अब ये आदि सूत्र है। आदि सूत्र, सूत्र माने आप जानते हैं, सूत्र का मतलब होता है कि साफ साफ बात कह दे, इशारे से नहीं, साफ साफ बोले असंदिग्ध और थोड़े अक्षरों में बोले। आप जरा अपने बोलने के साथ तुलना कीजिए, हैं, थोड़े में बोले और साफ साफ बोले। हमसे एक दिन एक आदमी ने ऐसे कहा हो, वह वहां मिला था उस समय हैं, और उसने मुझसे वो बात कही। अब मैं तो सुनते ही रह गया। हाँ, ये सर्वनाम का जो लोग प्रयोग करते हैं ना, वह मुझे उस समय वहां मिला था और उसने ये वो बात कही थी। अब बताओ क्या समझ में आया? तो ऐसा सूत्र नहीं होता कि सर्वनाम ही सर्वनाम बोले। असंदिग्ध अर्थ सुनने वाला, आप बोलते क्यों हैं? बोलने की जरूरत क्या है? बोलिए तो तब जब एक कहे और दूसरा समझे, है? और अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे? ऐसा है वो करेक ने ऐसे लिखा है कि ये बात नहीं है कि अगर खुदा 100 बार सर मारे तो भी न समझे। हाँ, ऐसी बात लोग बोलते हैं। तो साफ साफ बोलना चाहिए, बोल सफाई होनी चाहिए कि जो तुम बोलना चाहते हो उसको सामने वाला समझ जाए, और थोड़े में बोलो, विस्तार मत करो। और कोई सार हो तो बोलो, निस्सार बात कहे तो बोलते हो, है ना? और कहां दृष्टि रख के बोलते हो? केवल एक नगर पर कि एक प्रांत पर कि एक राष्ट्र पर, विश्वतो मुखम बोलो, ब्रह्म पर दृष्टि रख के बोलो, संपूर्ण विश्व पर दृष्टि रख के बोलो। तुम्हारी बोली में संकीर्णता न हो कि वो दुश्मन और वो दोस्त। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवध्यं च, कोई काट न सके और उसमें कोई दोष न हो, अनवध्यं च, ऐसा बोलना चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गया। अशुभानिराकस्ते तनोति शुभ संपतिं स्मृतिमात्रेण युक्तमिदं ब्रह्मतन्मङ्गलमन्दरम्। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् मंगलम मेरो अतो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य यत शास्त्र सत्समया अब प्रथम अधिकरण जिज्ञासा अधिकरण की चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक सीधा सवाल उठाते हैं कि आत्मा की जो ब्रह्मरूपता है वो अवचन सिद्ध है कि वचन सिद्ध है? बिना बोले ही
बिना बोले ये ज्यों का त्यों ब्रह्मरूप है कि बोलने पर ब्रह्मरूप हो जाता है? इसका उत्तर सर्वसम्मत है। यह क्या भामति प्रस्थान, क्या विवरण प्रस्थान, क्या सर्वतस्मार्थ सिद्धांत, ये बिना बोले ही ब्रह्मरूप है, स्वयं ब्रह्मरूप है। आत्मा की ब्रह्मता अवचन सिद्ध है, कुछ बोलने चालने की जरूरत है। फिर प्रश्न हुआ कि फिर इतनी खटपट क्यों करते हो? खटपट इसलिए करते हैं कि ये जो अभ्यास है ना, अविद्या है, ये निवृत्त हो जाए। खटपट जितनी है वो आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए नहीं है। ये जो असमझ है, उल्टी समझ है, कम समझ है, अपने को जीव समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, देह समझते हैं, इस उल्टी समझ को मिटाने के लिए खटपट है, आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए खटपट नहीं है। ब्रह्म विचार का फल अविद्या की निवृत्ति है। ब्रह्म विचार का फल अविद्या की निवृत्ति है, ब्रह्म विचार का फल ब्रह्म भाव प्राप्ति नहीं है। यदि ब्रह्म भाव प्राप्ति फल है तो वो भी नाशवान ही होंगे, नश्वर होंगे, और मिलेगी फिर मिट जाएंगे, मिलेगी फिर मिट जाएंगे। अच्छा, तो फिर ये बात हुई थी ब्रह्म विचार करो। अच्छा, और वो एक दूसरी बात कल आपको सुनाई थी परसों, कि आप अपने मैं को कहां बैठाकर तब अनंत का विचार करना चाहते हैं, माने किस ऊंचाई पर आप अपने कैमरे को रखेंगे तो जिस चीज का फोटो लेना चाहते हैं वो ठीक आ जाएगा, किस कोण पर, तो आप कहां बैठ के देखेंगे तब ब्रह्म दिखेगा। तो आप अपने आप को इतनी गहराई में ले जाइए, इतना प्रत्यक्ष, इतना प्रत्यक्ष कि जहां अपना आपा भी नहीं देखा जाता, स्वयं दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता हो, और तब आप दृश्य काल से, दृश्य देश से, दृश्य वस्तु से बिल्कुल अतीत, उस अतीतता से उपलक्षित आप स्वयं हैं। और ऐसे जो अदेश अकाल और अद्रव्य से उपलक्षित आप हैं, उसको कोई छिन्न भिन्न करने वाला नहीं, काटने वाला नहीं, आप स्वयं देश काल वस्तु की कल्पना के अधिष्ठान और उसके प्रकाशक, और आपके स्वरूप में देश काल द्रव्य नहीं, एकदम अद्वितीय हैं। तो ये जो वचन है वो अविद्या की निवृत्ति के लिए है। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर एक विचार और उपस्थित करते हैं। ये अथ शब्द के और जिज्ञासा शब्द के मिलाने से ये बात निकलती है। तो शंकराचार्य भगवान ने शारीरक भाष्य के प्रारंभ में ये कहा कि अथ शब्द का अर्थ है आनंतर्य, अधिकार नहीं, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा अधिकार जीव नहीं है, है ना? अब देखो इसका विचार करो। संस्कृत भाषा में अर्थ शब्द, अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये असल में
अर्थ शब्द ही छिप के अर्थ हो गया है। जो अर्थ है वही अर्थ है, ये संस्कृत के पंडित जानते हैं। ये पुरुषोदरादित्वात रेत का लोप हो गया है। एक संस्कृत में एक पुरुषोदरादि गण है, तो उसमें थोड़ा शब्दों में हेर फेर हो जाता है, तो अर्थ शब्द में से रेत का लोप हो गया तो वो अर्थ हो गया है। तो अर्थ शब्द का अर्थ मंगल है और आनंतर्य है इसके बाद, और प्रारंभ है और प्रश्न है और संपूर्णता है और विकल्प है और समुच्चय है। ऐसे हम लोग प्रायः अर्थ शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में नौ अर्थों में होता है, तो लौकिक और वैदिक, अथ ज्योति, अथ ब्राह्मण है ना, देखो अथ मुनिर्भवति, तो अथ शब्द का मंगल अर्थ होता है, मांगलिक है। बोले मंगल तो केवल उच्चारण मात्र से ही हो जाता है, जैसे संकट ध्वनि मंगल है, जैसे वीणा ध्वनि मंगल है, जैसे सौभाग्यवती स्त्री गान करती हुई सम्मुख आवे तो वो मंगल है, इसी प्रकार यदि यथ शब्द का उच्चारण मुंह से हो जाए तो उच्चारण मात्र से ही वो मंगल करता है, वाक्य में उसका अन्वय नहीं होता। अच्छा तो निरर्थक हो जाएगा। और आरंभ के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में होता है अथ योगानुशासनम, अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, अथातो धर्म जिज्ञासा, जहां कुछ कर्तव्य होता है वहां अधिकार अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस बात पर हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि ये तो संस्कृत साहित्य के जो विद्वान है ना उनका विषय है कि इस शब्द का प्रयोग कैसे कैसे होता है, और वो तो आप लोगों को, बहुत लोगों को तो भूल जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। अथ ब्रह्म जिज्ञासा, तो बोले कि अच्छा अब अधिकार में क्यों नहीं करते, अजी आओ अब ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो बोले कि यहां तुम जिज्ञासा मात्र ही ग्रहण करते हो, इच्छा तो इच्छा करो, ये विधान शास्त्र में नहीं हो सकता। कर्म करो ये विधान शास्त्र में होता है, इच्छा करो ये विधान नहीं होता। ये बात आप गहराई से गंभीरता से समझो। आदमी के मन, आदमी अपनी बुद्धि से जिस चीज को अपने लिए अच्छी, हितकारी, सुखप्रद समझता है, बुद्धि के अनुसार इच्छा का उदय हो जाता है, संस्कार के अनुसार इच्छा का उदय होता है। जिसके बारे में हमारा ये संस्कार पक्का है कि इससे हमको सुख मिलेगा, राग से ही उस विषय में इच्छा हो जाती है। इच्छा करने के लिए हुक्म देने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम हमसे प्रेम करो नहीं तो नरक में जाओगे, हैं, बंदा मारेंगे। इच्छा करवाई नहीं जाती, इच्छा होती है। तो अर्थ शब्द जो है, इच्छा जो है वो आरभ्य नहीं है, इसलिए अधिकार भी नहीं है। तब हमारे टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने यहां कहा कि जिज्ञासा पद जो है वो विचार का उपलक्षण है। यहां जिज्ञासा माने ब्रह्म ज्ञान की इच्छा नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का विचार।
विज्ञान शब्द से इच्छा अर्थ में जो संतृप्त हुआ है वहां इच्छा उसका विवक्षित अर्थ नहीं है। इच्छा से भी पूर्ववर्ती जो विचार होता है वो उपलक्षित है। तो बोले ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विचार कर्तव्य विचार कर्तव्य करना चाहिए। तो जब कर्तव्य कर दिया तो अर्थ का अर्थ अधिकार्य करने की जरूरत ही नहीं रहती। वो तो फिर कर्तव्य अध्याहार से निकल ही आया, क्योंकि विचार करोगे तो बात को पूरा करने के लिए अध्याहार करना पड़ेगा और अध्याहार में से अर्थ निकल ही आएगा। तब फिर अर्थ शब्द का अर्थ क्या हो, लेकिन ये बताने के पहले कि अर्थ शब्द का अर्थ क्या हो एक और प्रश्न उठाते हैं। बोला प्रश्न से घबराना नहीं चाहिए। हम लोग जाके पहले साधुओं से प्रश्न करते थे खुलेआम, है ना, और जब किसी को गुस्सा आ गया है ना, या घबरा गया या चुप करा दिया तो हमारी श्रद्धा ही नहीं जमती थी। गुस्सा आना विचार की कमजोरी की पहचान है। किसी को ये वकील लोग जब बहस बहस करने लगते हैं ना अदालत में, तो उनको मूर्ख बनाने का यही उपाय है कि उनको किसी तरह गुस्सा दिला दिया जाए। अगर वकील को गुस्सा आ गया तो समझ लो कि आगे अब कोई काम होने वाला नहीं है, बस खत्म। और जज को गुस्सा आ जाए तो ये गुस्सा आना विचार की कमजोरी का लक्षण है। उसमें न न्याय पूर्ण होता न निर्णय पूर्ण होता न निश्चय पक्का होता, तो क्रोध से प्रभावित हो जाता है। तो प्रश्न करने से डरना नहीं चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि आखिर यहां अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यदि जिज्ञासा पद का अर्थ विचार ही था तो मूल ग्रंथकार अथातो ब्रह्म मीमांसा शब्द का प्रयोग करते तो विचार ही अर्थ हो जाता, अथवा अथातो ब्रह्म विचार यही बोलते। आखिर जिज्ञासा शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, तो इसका आप दो तरह से अभिप्राय लीजिए। एक अभिप्राय तो इसका यह है कि इच्छा जो होती है वो सुख के विषय में होती है। आप देख लेना जिससे जिससे सुख मिलने की संभावना रहती है उसके प्रति इच्छा होती है, और जहां से दुख मिलने की संभावना रहती है उससे परहेज होता है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं। जिहासा होती है ना दुख के निमित्त की। और आप देखो जिज्ञासा कहने में क्या मजा है, ये बोलते हैं थोड़े में और अभिप्राय बहुत ऊंचा होता है। तो ये जो अब समझो चार बात हैं बौद्ध हैं, तो इनके मत में जो यथार्थ ज्ञान है वो सुख का हेतु नहीं है। चार बात के मत में तो भोग ही सुख का हेतु है, और बौद्ध मत में जो व्यक्तित्व का उच्छेद है आत्मोच्छेद है आत्मा की शून्यता का अबोध है वो सुख का हेतु कैसे हो सकता है। तो चार बात के तो आत्मा ही नहीं है, ज्ञान होने पर सुख किसको होगा, और बौद्ध के आत्मा जो है वो क्षणिक है मिथ्या प्रत्यय रूप है प्रतिक्षण प्रध्वंसी है, उसको जिज्ञासा करने पर सुख कहां से होगा। शून्य कोई सुख रूप थोड़ी है कि शून्य को जान जाएंगे तो सुख मिलेगा,
जैन मत में चारवाक की तरह आत्मा का नास्तित्व नहीं है, वो तो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं बोला, और बौद्धों की तरह उनका आत्मा प्रतिक्षण प्रध्वंसी भी नहीं है, नित्यता भी है बोला, कथनचित नित्यता। ऐसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो वेदांत का पक्ष लेकर के बोलते हैं तो कथनचित नित्यता बोलते हैं। तो कथनचित नित्यता क्यों है कि वो चींटी के शरीर में चींटी सरीखा, हाथी के शरीर में हाथी सरीखा, ह्रास विकास का पात्र बना रहता है। तो चारवाक का आत्मा द्रव्य रूप होने से आत्मा ही नहीं है, वो द्रव्य प्रधान है, और बौद्ध का आत्मा क्षणिक होने से प्रध्वंसी है, माने काल में कट जाता है। द्रव्य में मरता है चारवाक का आत्मा और काल में मरता है बौद्ध का आत्मा, और देश में बढ़ता घटता है जैन का आत्मा, जैसा उनका है ना, ह्रास विकास को प्राप्त हो। देश प्रधान जैन आत्मा, काल प्रधान बौद्ध आत्मा, द्रव्य प्रधान चारवाक आत्मा। अच्छा, तो ये अब जैन मत के अनुसार ही आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, नित्य होने पर भी ह्रास विकास का पात्र नित्य होने पर भी, यदि वो 18 दूषणों से त्रिरत्न से संपन्न होकर, सम्यक चारित्र्य सम्यक संकल्प सम्यक समाधि से संपन्न होकर बिल्कुल निर्दोष उज्ज्वल जगमग 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 प्रज्वलित होता हुआ तीर्थंकर हो जाएगा, उस समय भी वो सच्चिद रूप तो होगा उन्हीं के मत में, परंतु आनंद रूप नहीं होगा। आनंद रूप नहीं होने से जिज्ञासा का विषय नहीं होगा। अच्छा, न्याय वैसे अब आस्तिक दर्शनों की बात करते हैं। एक शून्यवादी या विज्ञानवादी बौद्ध की चर्चा करने से उन चारों प्रकार के बौद्धों की चर्चा हो जाती है। तो चार प्रकार के बौद्ध, चारवाक, जैन। जैन जो है वो सबसे आस्तिक, हमारे वैष्णव से मिलते जुलते हैं, और बौद्ध जो है वो वेदांतियों से बहुत निकट हैं, और ये चारवाक जो है ना, ये देखो हम वेदांती हो के ऐसी बात बोलते हैं, ओ चारवाक जो हैं ये जैसे आजकल के वैज्ञानिक हैं, मार्क्सवादी हैं, और वो विकासवादी कौन हुआ, डार्विन, हाँ जैसे डार्विन है, जैसे मार्क्स है, जैसे हेकले है ना, ये हमारे चारवाक तो उन नास्तिक द्रव्यवादियों के निकट हैं, और नारायण हमारे ये जो बौद्ध है ना, ये संपूर्ण प्रपंच का को क्षणिक बता करके और अधिष्ठान में, अधिष्ठान तो है ही नहीं, अधिष्ठान नहीं मानते हैं, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दोनों को मिथ्या मानने के कारण ये वेदांतियों के लिए बड़े मददगार हैं, क्योंकि ये प्रपंच का मिथ्यात्व को सिद्ध कर देते हैं। और जैन जो हैं वो देश विशेष में नित्य तीर्थंकर की स्थिति मानने के कारण अलोकाकाश में सुना रहे। हमारे जैसे वैष्णव लोग वैकुंठ मानते हैं, गोलोक मानते हैं, और उनमें दिव्य पुरुष की उपस्थिति मानते हैं। देखो आचार में भी वैष्णवाचार और जैनाचार जो है वो अहिंसा प्रधान, अहिंसा प्रधान और बड़ा मृदु आचार है। अच्छा, अब आचार की बात मैं करता हूं, सिद्धांत के नहीं। सिद्धांत में वैष्णव और जैन का बहुत अंतर है, वो बात मैं आगे सुनाता हूं। तो इच्छा, ये ब्रह्म को, ब्रह्म ज्ञान को इच्छा का विषय क्यों बनाया, ये बात बताते हैं। न्याय में और वैशेषिक में सुख आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। इच्छा, देश, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, ये आत्मा के गुण हैं न्याय वैशेषिक मत में बना। न्याय वैशेषिक मत में तो नारायण जो गुणी द्रव्य है आत्मा, अब आत्मा और परमात्मा दोनों, क्योंकि आत्मा दो तरह का है, तो आत्मा और परमात्मा दोनों उनके मत में सुखधर्मी तो हैं, सुखधर्मी तो हैं, परंतु सुख स्वरूप नहीं है। वो सुख को गुण मानते हैं, गुण।
तो अब अपूर्व में सांख्य और योग इनमें आत्मा दृष्टा है, आनंद स्वरूप नहीं है, इसलिए वो भी जिज्ञासा का विषय नहीं है। क्यों जानना चाहेंगे उसको? अच्छा, पूर्व मीमांसा में आत्मा किरचित स्वभाव है, उसको तो आनंद की प्राप्ति के लिए यज्ञ जागादि करना पड़ता है और स्वर्गादि भोग सुख की प्राप्ति करनी पड़ती है। अथवा पूर्व मीमांसा का जो खाता सिद्धांत है ना, ये लोक स्वर्ग लोक रूप लोक जो है ना, उनको अभिष्ट नहीं है वो। आपको पूर्व मीमांसा में दो धारा है बड़ी विचित्र, जैसे यज्ञ में आप हवन करते हैं इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र देवता इंद्र लोक से आता है कि नहीं, तो इस पर मतभेद है। देवता विग्रहवती दादा, देवता किस रूप होता है कि नहीं होता है? तो एक पक्ष बोलता है कि मंत्रोच्चारण से वहां देवता का विग्रह बनता है और आहुति लेता है और कर्ता को अपने कर्म का फल मिलता है, और दूसरा मानता है कि इंद्रलोक से इंद्र देवता आता है, उसमें सहस्त्र सहस्त्र बनने का सामर्थ्य है। पूर्व मीमांसा में इसका विवेक है, तो बोले वहां भी आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है और ब्रह्म की तो चर्चा ही मत करो, है ना, क्योंकि उनको तो अब न्याय को वैशेषिक को और पूर्व मीमांसा को बौद्धों के सिद्धांत का खंडन करके आत्मा का अस्तित्व निश्चय करना मात्र ही उनको इष्ट है। आत्मा सच्चिदानंद घन है, आनंद स्वरूप है, ये सिद्ध करना इष्ट नहीं है, तो वहां भी जिज्ञासा अनुत्पन्न है। अच्छा, अब देखो, मन जहां सुख मिले है उसकी इच्छा होती है, सुखमेव लब्ध्वा करोति नासुखम लब्ध्वा करोति, जहां सुख मिलता है मनुष्य को वहां प्रवृत्ति होती है और जहां दुख मिलता है वहां प्रवृत्ति नहीं होती है। सुखमेव लब्ध्वा करोति नासुखम लब्ध्वा करोति। तो अब देखो, पूर्व मीमांसा की बात यह हुई, चिदचित स्वभाव वो तो कर्म करेगा, अगर सुख पाना है तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म के फल स्वरूप भोग मिलेगा तब वो आनंदी होगा, तो भी सीमित ही आनंद मिलेगा, क्योंकि कर्म सीमित है इसलिए उससे मिलने वाला आनंद भी सीमित है। जब मैंने पहले पहल स्वामी दयानंद जी महाराज का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, अरे तो पहले की बात, तो हमारा संस्कार जो था ना वो बिल्कुल सनातन धर्मी हो, बचपन से एक दिन के लिए भी हमारा मन सनातन धर्म के विपरीत नहीं हुआ। तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मोक्ष में से फिर आना होता है, स्वामी दयानंद जी ने ऐसा माना है, तो बहुत दुखद की बात, भला वो मोक्ष ही कैसा जहां से फिर आना पड़े। तो फिर जब विचार हुआ तब उनकी बात सच्ची लगी। कैसे लगी? तो उनका मोक्ष हम लोगों का कैवल्य मोक्ष या ब्रह्मात्मयी की बोध तो है नहीं, वो तो कर्मजन्य मोक्ष है, है ना, वो तो कहते हैं सत्कर्म करो सदाचार का पालन करो इससे ईश्वर प्रसन्न होकर तुमको मोक्ष देगा। तो एक तो ईश्वर का दिया हुआ मोक्ष और दूसरे कर्म का फल, तो उससे आना नहीं होगा तो और क्या होगा, उससे तो आना होगा ही। उन्होंने बिल्कुल कायदे की बात कही, युक्ति युक्त है। अच्छा, फिर पढ़ा वैष्णव का, समझो तो वैष्णव के सिद्धांत में भी मानते हैं कि कर्म के फल से तो नहीं मिलता, वैकुंठ आदि जो है भगवत भाव आपत्ति कर्म के फल स्वरूप नहीं होते, ईश्वर के अनुग्रह से होते हैं, इसलिए कर्म के समाप्त हो जाने पर वो समाप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म का फल ही नहीं है परंतु ईश्वर के अनुग्रह से है। इसलिए ईश्वर यदि चाहे तो मुक्त पुरुष को भी अपने लोक से मर्त्यलोक में भेज सकता है, क्योंकि जब वो स्वयं अवतार लेता है तो जय विजय को भेजने में उसको क्या दिक्कत होगी, है ना। तो कर्म और उपासना के फल स्वरूप, अच्छा, योग में पुनरावृत्ति नहीं मानते हैं।
परंतु वहां अभ्यास जो योगाभ्यास प्रारंभ होता है वो तो कर्तृत्व से ही प्रारंभ होता है। आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, प्रत्याहार करोगे, धारणा करोगे, ध्यान करोगे, तो कर्तृत्व तो बना ही रहेगा। अब उसके वेग से, अभ्यास के वेग से चित्त वृत्ति समाहित हो गई तो समाधि लग गई, तो समाधि तो टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि कर्म वेग से लगी हुई है। तो जब भेला आसमान में फेंकेंगे तो जब तक वो हमारे हाथ से फेंकने वाली ताकत काम करे जाएगा, और जब वो ताकत क्षीण हो जाएगी तो भेला नीचे गिर जाएगा। तो समाधि तो मन को भीतर ढकेल कर लगाई जाती है, प्रतिलोम परिणाम है चित्त का, वो तो टूटेगी ही टूटेगी, परंतु जो दृष्टा आत्मा है वो टूटता नहीं है, ऐसा योग का सिद्धांत है। वेदांती लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान देने योग्य है कि सांख्य और योग दोनों में आत्मा दृष्टा है, आनंद रूप नहीं है, आनंद रूप नहीं है। अब आओ उपनिषदों की चर्चा करें, माने जो लोग उपनिषद मानते हैं, उपनिषद के मत में परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है। रसो वैसा रसम जे वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, हा ये परमात्मा रस रूप है, रस स्वरूप है, रूप नहीं स्वरूप है। ये रूप रस रूप है ये कहने में है ना, रस उसका रूप है नहीं, रूप नहीं है, स्वरूप है, स्वरूप है, वो निरूपित रूप नहीं है, अनिरूपित रूप है, स्वरूप स्वलक्षणम। तो परमात्मा परमानंद रूप है, सैसा आनंदस्य मीमांसा भवती, आनंद की मीमांसा करते हैं तो उसमें आनंद की मीमांसा करके जो प्राणियों को आनंद होता है ना, मानव को जो आनंद होता है उससे फिर गंधर्वों का, देवताओं का, ऐसा बढ़ा करके ब्रह्मा का आनंद, प्रजापति का आनंद, ऐसा करके आनंद की मीमांसा करते हैं। तो उपनिषद में जो ब्रह्म स्वरूप है वो आनंद है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे श्रुति बोलते हैं। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। उपनिषद के मत में परब्रह्म परमात्मा है, ये बात है। उपनिषद के मत में परमात्मा ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। तो सब उपनिषदों के मत में अब देखो बिल्कुल, क्या शैव, क्या शाक्त, क्या वैष्णव, क्या गाणपत्य, क्या सौर, जो उपनिषद की रीति से अपने सिद्धांत का व्याख्यान करते हैं उनकी रीति से ब्रह्म परमानंद स्वरूप है। और जीव क्या है, दुख रूप नहीं है, तदंशत्वात् अंशो नाना व्यपदेशात्, अंश रूप होने के कारण जैसे सच्चिदानंद घन, जैसे सिंधु का बिंदु भी खारा होता है, वैसे सच्चिदानंद का अंश भी सच्चिदानंद रूप है। तो वैष्णव मत में भी इसी से जीव ईश्वर से जब प्रेम करता है तो ईश्वर जीव से भी प्रेम करता है। जीव में यदि आनंद नहीं होता तो ईश्वर जीव से प्रेम कहां से करता। अब इसी से जितने औपनिषद हैं उन सबको छोड़ दो, पूर्व मीमांसा, सांख, योग, वैशेषिक, न्याय हैं, सबको छोड़ो। जो उपनिषद के अनुयायी हैं वे मुक्ति का लक्षण करते हैं निखिल अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानंदावाप्ति, जितना दुख है अनर्थ है तन मूलभूत अविद्या की निवृत्ति हो करके परमानंद की प्राप्ति मोक्ष है, दुखाभाव मोक्ष नहीं है। न्याय दर्शन पर, वैशेषिक दर्शन पर जहां श्रीहर्ष आदि ने आक्षेप किया है, बड़ा विलक्षण किया है। ब्रह्म वृंदावने रम्य श्रृगानत्वम सदांक्षति,
वैसे सिकोक्त मोक्षाप्तो सुखलेश विवर्जिता। वृंदावन का गीदर होना अच्छा है और वैसे दर्शन का मोक्ष पाना अच्छा नहीं है। ऐसे बोलते हैं वो, वरम वृंदावने रम्य श्रृगालत्वं सवांचते, वैसे सिकोक्त मोक्षाप्तो सुखलेश विवर्जिता। जो लोग मोक्ष में केवल दुख का अभाव मानते हैं कि वहां दुख नहीं होता, वो मोक्ष तो निद्रावत मोक्ष है, निद्रावत मोक्ष है, दुखाभाव ही मोक्ष नहीं होता। दुख की मूलभूत जो अविद्या है, उस अविद्या की निवृत्ति होकर के अपने परमानंद स्वरूप में जो अवस्थान है उसका नाम मोक्ष है। तो देखो अब शैव शाक्त वैष्णव सौर गणपत्य और अद्वैत वेदांत, ये सब के सब पर ब्रह्म परमात्मा को परमानंद स्वरूप मानते हैं और मोक्ष में परमानंद की उपलब्धि मानते हैं। अब लो अब आगे बात करें, ये विस्तार करके समझाया कि ब्रह्म विचारक कर्तव्य, ऐसा सूत्र न करके अंत में इस अंत तो गत्वा इसमें इच्छार्थक सम प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया गया। बोले ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये परमानंद स्वरूप है, इसको सूचित करने के लिए आहा इच्छार्थक प्रत्यय इसमें सम प्रत्यय किया गया। बोला इच्छा किसकी होती है, इच्छा आनंद की होती है। तो ये परमानंद स्वरूप, परमानंद है, ये दुख का भाव नहीं है, ये परमानंद है। तो न्याय और वैशेषिक के मोक्ष में दुखाभाव है, योग और सांख्य के मोक्ष में दुखाभाव है, मीमांसा के मोक्ष में दुखाभाव है, क्योंकि वहां बोलते हैं प्रपंच संबंध विलयो मोक्षा। पार्थ सारथी मिश्र ने मोक्ष की व्याख्या की, प्रपंच संबंध विलयो मोक्षा, प्रपंच के साथ संबंध जो है वो संबंध विलीन हो जाए, प्रपंच भले रहे परंतु संबंध विलीन हो जाए। और वेदांत में मानते हैं अधिष्ठान के ज्ञान से प्रपंच बाधित हो जाए, केवल संबंध का ही विलय नहीं हो, प्रपंच बाधित हो जाए, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो इसलिए इच्छा इच्छार्थक सम प्रत्यय करके जिज्ञासा। अब ये देखो प्रत्यय जो है वो ब्रह्म की इच्छा बोलता है कि ज्ञान की इच्छा बोलता है, इस पर भी विचार करें। ब्रह्म जिज्ञासा तो ये ब्रह्म की इच्छा है कि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है। तो बोले कि नहीं, ब्रह्म की इच्छा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्ञान से ही परमानंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और अज्ञान से ही परमानंद स्वरूप ब्रह्म ढका हुआ है। ये बात निकली आई कि नहीं? परमानंद स्वरूप ब्रह्म को ढका किसने? तो अज्ञान ने। इसलिए वो ढक्कन हटेगा कैसे? तो ब्रह्म ज्ञान से है। तो ब्रह्म जो है न इच्छा का विषय है न अनिच्छा का विषय है। विज्ञस्य ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विसर्जने। तो दुनिया के लोग साधक लोग जो हैं वो इच्छा छोड़ सकते हैं। आपको देखो साधन की रीति बताते हैं, कहें हमको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमको ब्याह नहीं चाहिए, हमको धन नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, इच्छा का त्याग कर देंगे। अच्छा, इच्छा का त्याग करते करते वो अनिच्छा के बंधन में बन जाते हैं। बैठो कोठरी में बंद हो गए, कहां? बोले अनिच्छा की कोठरी में बंद हो गए, निवृत्त हुए ना, निवृत्त अनिच्छा की कोठरी में बंद हुए। परंतु विज्ञ का ये सामर्थ्य है कि वो विषय की तो इच्छा नहीं करता है और अनिच्छा रूप अंतःकरण की कोठरी में कैदी नहीं होता। क्या अर्थ है? आंखें बंद करके बैठे रहे तो वृत्ति न उठे, है ना, व्यवहार लोग
सही व्यवहार लो, माने ब्रह्म ज्ञान जो है वो व्यवहार का लोप नहीं है। हाँ, जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वही कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी उपदेश कैसे करेगा, तो उसकी जीव कट गई है ना, क्या वो विचार कैसे करेगा, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नष्ट हो गई है। अरे भाई, ब्रह्म ज्ञानी में वही बुद्धि जो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व ब्रह्म का विचार करती थी रही बोला, और वही ब्रह्म ज्ञानी में वही आंख और वही जीव जो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व थी वो रही, भासमान भी रही पहले ही सरीखी। अंतर क्या है कि आत्मा की भासमानता जो है वो कभी मिथ्या नहीं होती, बाधित नहीं होती, क्योंकि उसका कोई दूसरा अधिष्ठान नहीं है। लेकिन जो विषय की जो भासमानता है वो काल से भी परिच्छिन्न है, देश से भी परिच्छिन्न है, वस्तु से भी परिच्छिन्न है और अधिष्ठान ज्ञान से बाधित है। इसलिए भासमानता दो प्रकार की होती है, एक प्रवाह शील भासमानता और एक कूटस्थ भासमानता। तो कूटस्थ भासमानता आत्मा में है और प्रवाहशील भासमानता प्रपंच में है। यदि कदाचित तादात में भी हो जाए है ना, तब भी जैसे कभी सपना आ गया और वो जागने पर बाधित हो गया, वो इसे कूटस्थ पर दृष्टि जाते ही प्रवाही भासमानता बाधित हो जाती है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो इसी से तत्वज्ञानी के व्यवहार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथा पिदा ममाकर्तृलेपस्य यथारभम प्रवर्तताम। जैसा व्यवहार शुरू हो गया है वो चलता रहे, लौकिक होए वैदिक होए अन्यथा भी होए, अलौकिक और अवैदिक भी हो गए, परंतु जैसा शुरू हो गया है, जैसा प्रारब्ध है, जैसा आरब्ध हो गया है, उसके अनुसार व्यवहार चलता रहेगा। तत्व ज्ञान से उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में इच्छा का विषयत्व, असल में अपनी ब्रह्मता को तुम भूल गए हो, अपनी ब्रह्मता को चाहो तो अपनी ब्रह्मता कैसे मिलेगी, तक मिलेगी कहां, खोई थोड़ी है, अज्ञान से खोई है इसलिए ज्ञान से मिलेगी, कन्ना खोई है ना मिलेगी है ना। ये जो तुमको मालूम पड़ता है कि खो गई है इसलिए मिलेगी की कल्पना की जाती है, का असल में खोई नहीं है तो मिलेगी क्या है ना, ऐसे हुआ। तो ना कछु हुआ न है कछु, ना कछु हो अनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। खोया कहे तो बावरा, पाया कहे तो बावरा, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वा। मंगल जो है वो तो वाक्यार्थ के साथ उसका समन्वय नहीं होता, वो तो अर्थ शब्द के उच्चारण का ही ऐसा महात्म्य है कि ब्रह्मा जी के मुंह से पहले पहल अर्थ शब्द निकला हो। तो असल में ब्रह्मा जी के पास अर्थ नहीं था, भाव था। हिरण्य गर्भ जो था ना, तो स्थूल अर्थ उसके सूक्ष्म शरीर में लीन था और हिरण्य गर्भ चैतन्य जो है वो जागृत था, और प्राज्ञ के शरीर कारण में सूक्ष्म भाव भी लीन रहते हैं। तो हमारी सुषुप्तिवत प्राज्ञ का शरीर है, हमारे स्वप्नवत हिरण्य गर्भ का शरीर है और हमारे जागृतवत विश्व का शरीर है। नारायण, तो अब आओ इसको देखें। हिरण गर्भ के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण स्थूल समष्टि लीन।
अथ अव्यय है, अथ अव्यय है। तो वो जो अथ अथ का अर्थ हुआ, अब अर्थ प्रकट हो जाए, अर्थ का प्रारंभ हो गया है, मैंने स्थूल अर्थ प्रकट हो गया, इसी को अथ बोलता है। परंतु उसके मुंह से जो पहले पहल अर्थ शब्द निकला ना, हिरण अगर माने शब्दोच्चारण ही अर्थ है, ये लो है ना, शब्दोच्चारण ही अर्थ है, मैंने शब्द में अर्थोत्पादिका शक्ति है। औत्पत्तिका खलु शब्दस्य अर्थे न संबंधः, शब्द का जो अर्थ के साथ संबंध है वो औत्पत्तिक है, औत्पत्तिक है माने साहजिक है, सहज है, बिल्कुल सहज है, शब्द और अर्थ है, तो शब्द को ही व्यवहार बोलते हैं। इसी व्यवहार से हिरण्यगर्भ की सृष्टि प्रारंभ हुई, इसलिए उसको मंगल बोलते हैं। ऐसा कहे कि पूर्वक प्रकृति की अपेक्षा से अर्थ शब्द का व्यवहार किया गया, एक वस्तु का वर्णन करते रहे भिन्नोपत्र में अर्थ शब्द है, एक वस्तु का वर्णन करते रहे अब भिन्न वस्तु का प्रारंभ किया तो अर्थ शब्द, अर्थ शब्द का प्रयोग किया, तो बोलेगा इसका अर्थ भी आनंतर्ज ही हुआ। आनंतर्ज, आनंतर्ज माने बाद में। तो जैसे धर्म की जिज्ञासा करना हो तो पहले वेदाध्ययन की अपेक्षा है, धर्म विचार बिना वेदाध्ययन से नहीं होता। ये जो छिटपुट थोड़ा विज्ञान पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, थोड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, थोड़ा दूसरों का लेख पढ़ लेते हैं, वो है ना, कामुक अंग्रेज ने इसके बारे में क्या कहा है, तो विचित्र ही बात है। देखो धर्म का संबंध जो है वो शाश्वत संविधान से है, वो भिन्न प्रक्रिया होती है। धर्म के बारे में आप इस बात को समझें कि केवल तात्कालिक क्रिया के निरोध या प्रवर्तन का नाम धर्म नहीं होता, तात्कालिक क्रिया के प्रवर्तन या परिवर्तन या निरोध है ना, प्रवर्तन परिवर्तन या निरोध, इसका हमारे अंतःकरण पर शाश्वत प्रभाव क्या पड़ेगा, इस बात पर दृष्टि रख करके धर्म का निर्णय होता है। तो जिसको सूक्ष्म शरीर की शाश्वतिकता का ज्ञान नहीं है और उस पर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, संस्क्रिया और विक्रिया होती है, विकार और संस्कार होते हैं, उसका जिसको ज्ञान नहीं है उसको धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। धर्म को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया पृथक पृथक होती है, परंतु उस प्रक्रिया से चित्त पर क्या संस्क्रिया होगी और चित्त पर क्या विक्रिया होगी, इसका ज्ञान आवश्यक है धर्म का निर्णय करने वाले के लिए। मनु जी महाराज ने कहा न जनध्यात्म विकसित क्रियाफलम उपासनु कर, लो आश्चर्य हो गया ना, वो कहते हैं नहीं अनध्यात्म विकसित, जो अध्यात्म को नहीं जानता, अध्यात्म माने आंख कान नाक जीव मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका परस्पर संबंध, इन पर संस्कार और विकार, इनके संबंध को जो नहीं जानता है न रहे, वो कर्म को क्या समझेगा। न यनध्यात्मविद वेदान ज्ञातुं शक्नोति तत्त्वतः, न यनध्यात्मविद तस्य क्रियाफलम् उपासनते नरेण। तो धर्म की विद्या तो है बड़ी विलक्षण। एक दिन एक ने हमसे आके कहा कि महाराज हम यूरोप में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, तो वहां दिन भर में 10-12 कपड़े, 10-12 बार पोशाक बदलने पड़ते, सोने की पोशाक अलग, नहाने की पोशाक अलग, खाने की पोशाक अलग, बाहर जाने की पोशाक अलग, है ना। मैंने कहा अरे भाई ये तो बात बिल्कुल धर्म की हो गई। तो कैसे हो गई, तो हम लोग गर्म देश में रहते हैं तो हमको 3-4 बार नहाने की जरूरत है, और ये लोग ठंडे देश में रहते हैं तो उनको 3-4 बार कपड़े बदलने की जरूरत है। बात तो वही,
पवित्रता, मूल में पवित्रता का भाव है, मूल में पवित्रता का भाव है, स्वच्छता का भाव है। यहाँ ठंडे देश के अनुसार पवित्रता स्नान के रूप में प्रकट हुई और गर्म देश के अनुसार वहाँ पवित्रता का भाव वस्त्र बदलने के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन शरीर को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना, ये जो अंतरंग धर्म की जो शाश्वतता है, सार्वदेशिकता है, वो तो सर्वत्र एक ही है। तो वेद ज्ञान जो है ना, वेद ज्ञान धर्म ज्ञान का हेतु है। पहले वेद पढ़ेंगे, नियमन अपेक्षित है, वेद में धर्म का अनुरूपण है, अनुरूपण है। धर्म विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, लोके धर्मस्थम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मे विश्वम प्रतिष्ठितम, तस्मा धर्मम परमं वदन्ति। यज्ञेन यज्ञम अयजन तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। वेद में धर्म शब्द का बहुत बहुत ऋग्वेद में अनेक स्थान पर धर्म शब्द का प्रयोग है। तो अब उसमें उससे निकलता है कि उत्सर्ग क्या होता है, अपवाद क्या होता है, विधि क्या होती है, निषेध क्या होता है ना। नारायण, तो ये आप ये जानते शायद किसी को मालूम है, शायद किसी को नहीं होगा, ये जो शास्त्रीय निषेध हैं वो बाधित और अबाधित दोनों प्रकार के अभ्यास में लागू होते हैं। और जो विधियां हैं, विधियां वो केवल अबाधित अभ्यास में ही लागू होते हैं, बाधित अभ्यास में लागू नहीं होते। तो देखो धर्म का एक सूक्ष्म विचार है ये। जैसे किसी को तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर ये जो मनुष्यो हम ऐसा जो अभ्यास है ना, ये स्वप्नवत प्रतीत होता रहता है। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, स्वप्नवत प्रतीत होता रहता है। तो जो विधियां हैं श्रद्धापूर्वक स्वर्ग काम हो जजे पर, वो नहीं लागू होती तत्व ज्ञानी पर। परंतु जो निषेध है ना, अक्षय मा दिया, वो लागू होते हैं, दिया नहीं चाहिए। ये देखो वेद का निर्णय आपको मालूम हो तो बहुत बढ़िया है, और न मालूम हो तो इस पर विचार करना। निषेध शास्त्र जो है वो बाधित अबाधित दोनों प्रकार का अभ्यास, जावत जीवन, जावत जीवन दोनों पर लागू होता है। और शरीर की विस्मृति हो जाए है ना, तो बात दूसरी है। शरीर की विस्मृति में, विस्मृति में तो अज्ञानी को भी लागू नहीं होते हैं, ज्ञानी की क्या बात है। शरीर की विस्मृति हो जाने पर तो अज्ञानी पर भी विधि निषेध लागू नहीं होते हैं। लेकिन जब तक शरीर की विस्मृति नहीं हो गए, तब तक बाधित अभ्यास में भी निषेध की अनुवृत्ति होती है। ये धर्म की एक जैसे कहते हैं ना कि एक चुटकुला जैसे छोड़ देते हैं है ना, वैसे एक चुटकुला छोड़ रहे हैं। तो धर्म ज्ञान के लिए तो अब धर्म विज्ञान के लिए वेद विज्ञान आवश्यक है, तो ब्रह्म विज्ञान के लिए क्या आवश्यक है वो बताना चाहिए। और दोनों का स्वाध्याय तो स्वाध्यायानंतर जो है वो तो समान है, स्वाध्याय के बाद ही दोनों होंगे। तो बोले कि अच्छा, पहले कर्म को समझ लो, फिर ब्रह्म को समझो। तो ये तो बड़ा भारी व्यवधान है। अभी कर्म का तो इतना गहन विषय है कि यदि उसको समझने लग जाए तो वो विभाग ही दूसरा हो जाएगा। सारी जिंदगी कर्म समझने में, सारी जिंदगी कर्म समझने में चली जाएगी। हमको तो बाद में समझ में आया कि गोबर की गौरी बनाई और सुपारी का गणेश बनाया और पूजा करवा दिया है ना। गौरी आया रानी पूजयानी इहा दक्ष यथिष्ठ सम्मुखीन हो भव, ऐसे गणेश के लिए कर दिया होगा। तो ये तो जब वेदांत जो पढ़ने लगा ना, वेदांत का जो सत्संग हुआ, तब मालूम हुआ कि हम लोग जिसको अध्यारोप और अपवाद बोलते हैं, उपासक लोग उसको आवाहन विसर्जन बोलते हैं है ना। उपासक लोग सब भाषा में है, धर्म में भी है,
हाँ धर्म में भी है, धर्म में विधि निषेध बोलते हैं, पूजा में आराम विसर्जन बोलते हैं। तो वेदांत में ये है, तो कहो कि सब कर्म का रहस्य समझ लेंगे अथ माने कर्मानंतर कर्मा बोधानंतर जी, कर्म का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अरे इतनी शाखा है, कहो हम गिनती गिनावे है ना, इतनी शाखा है इसकी, मूल में अविद्या को बैठाकर और उसके बाद अहंकार को बैठाकर। देखो एक आदमी जब अपने को गृहस्थ के अहंकार से युक्त समझता है तब उसका धर्म दूसरा होता है, और जब अपने को वही आदमी जब कालांतर में अपने को सन्यासी के अहंकार से युक्त कर लेता है तब उसके धर्म दूसरे हो जाते हैं। अहंकार के परिवर्तन से धर्म में परिवर्तन हो जाता है, परंतु ये क्रियात्मक धर्म है। धर्मस्य सूक्ष्मागति, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। कर्मणो यति बोद्धव्यम्, बोद्धव्यम् च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोद्धव्यम्, जाना कर्मणो गतिः। कोई मामूली मामूली वस्तु तो रही है, तो कहो कि हम कर्म को खूब समझ लेंगे, उपासना को समझ लेंगे, पहले कर्म करके स्वर्ग देख जाएंगे एक बार कि कर्म का फल स्वर्ग मिलता है कि नहीं, फिर उपासना करके एक बार वैकुंठ देख जाएंगे, ऐसी उपासना से वैकुंठ मिलता है ना, उसके बाद वेदांत करेंगे। तो किसी योगी का है ना, योगी का चेला मिल गया तो बोले पहले समाधि लगा ले तब वेदांत का विचार करना। अब जब जिंदगी भर के लिए तुम जाओ गुफा में बैठो समाधि लगाओ अब क्या वेदांत का विचार करोगे, बोले जाओ तुम पहले वैकुंठ हो आओ, उपासना और फल का संबंध देख आओ, और पहले कर्म करके स्वर्ग देख आओ, 10-20 जन्म तो तुम्हारे ऐसे ही बीत जाएंगे। तो वेदांत विचार में अगर कर्म की पथ लगाई और उपासना की पथ लगाई महाराज, बड़ा भारी विचार इन्होंने दानपिकार ने इस विषय पर बड़ा विचार किया है। तो कर्म और उपासना को समझ लेंगे और कर्म और उसके फल का संबंध देख लेंगे और उपासना उसके फल का संबंध देख लेंगे, योगाभ्यास और उसके फल का संबंध देख लेंगे। देखो कर्म उपासना योग के द्वारा अपने व्यक्तित्व का उत्कर्ष संपादन करना, अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना, ये दूसरी प्रक्रिया है। और मिट्टी नाम की क्या चीज होती है और आकाश नाम की क्या वस्तु है और दिक् काल क्या है और इनका अधिष्ठान क्या है और तत्व क्या है ना, तत्वानुसंधान का दृष्टिकोण दूसरा है और व्यक्तित्व के उत्कर्ष का दृष्टिकोण दूसरा है। ये कर्म उपासना योग जो है ये व्यक्तित्व के उत्कर्ष के दृष्टिकोण है, और तत्व ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, वो वस्तु का साक्षात्कार है, वो व्यक्ति ये व्यक्तिगत उत्कर्ष है, व्यक्तिगत उत्कर्ष का हेतु नहीं है। राष्ट्रीयता देश के उत्कर्ष का हेतु है और प्रांतीयता प्रांत के उत्कर्ष का हेतु है, और कर्म उपासना आदि जो है ना, ये व्यक्तित्व के उत्कर्ष के हेतु है। और जो मिट्टी पानी आग हवा आकाश है ना, और मनस तत्व महत तत्व प्रकृति तत्व ईश्वर तत्व ब्रह्म तत्व, इनका जो साक्षात्कार है वो असलियत का सत्य का तत्व का ज्ञान है, वो अपने को एक घेरे में बांधने वाली चीज नहीं है। सत्यवाद कल सुनाएंगे। शुभानुरातस्ते समेति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण युत्संताम् ब्रह्मतन्मङ्गलंकरम् तत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः।
बनाना चाहते हैं कि जो है उसको जानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। बिना किए कुछ बनता नहीं, जैसे बिना किए मकान नहीं बनता, वैसे बिना किए स्वर्ग भी नहीं बनता। मकान बनाने के लिए भी करना जरूरी है, स्वर्ग बनाने के लिए भी करना जरूरी है। पर परमात्मा को बनाना है क्या? परमात्मा तो बनाना नहीं है, क्योंकि जो बनाया जाएगा वो परमात्मा ही नहीं होगा। तो परमात्मा से परमात्मा पहले से मौजूद है और उसको जाना जाता है। अच्छा, दूर हो तो वहां जाके देखेंगे तो पांव से चल के जाना पड़ेगा। कोई संस्कारी सी चीज हो, है ना, घोंगा हो, घोंगा है कि संक है, इसको आप जानते हैं। ऐसे आदमियों में भी होता है, कोई कोई घोंगा पता नहीं पड़ता है। नारायण, दूर हो तो जाना पड़े, है ना, ठीक पहचान में ना आए तो हाथ से उठा के देखना पड़े, हाथ का काम करना। स्त्री पुरुष का संयोग भी बच्चा पैदा करने के लिए होता है। जहां कुछ पाना है वहां कुछ करना है, और जहां पाना नहीं है केवल मौजूद वस्तु को जानना है, वहां केवल प्रमाण की प्रवृत्ति ठीक ठीक होनी चाहिए। समझो कि जिसको हम जानना चाहते हैं अगर वो कश्मीर में हो तो जाना पड़ेगा, और यहीं हो तो एक कदम नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो भीतर हो तो आंख बंद करके प्राणायाम करके और नारायण कैसे कैसे करके भीतर जाना पड़ेगा। कई लोगों का ख्याल होता है कि मांस पिंड में ईश्वर रहता है, कैसे रहेगा मांस में नारायण, कलेजे में ईश्वर रहता है ना, जेर में जरायु में बधा हुआ ईश्वर रहता है। अरे ईश्वर तो जैसा बाहर है वैसे ही भीतर है। अगर बाहर ही हो तो आंख खोल के देखें, और भीतर ही हो तो आंख बंद करके देखें। तो ईश्वर को आंख खोल के देखने की भी जरूरत नहीं है, और उसके लिए आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। खुली आंख से देखो, बंद आंख से देखो, यहां देखो, कहीं जाकर देखो, माने उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। देखने की बात बस इतने ही चाहिए कि देख लो। तो धर्म जिज्ञासा के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ये नियम बनाना बिल्कुल गलत है। इस जन्म में या पिछले जन्म में धर्मानुष्ठान करके जिसकी वृत्ति ऐसी अवस्था में पहुंच गई है कि वो बाहर के विषयों में सुख की कल्पना नहीं करते हैं, ये ख्याल है। देखो, सुख बाहर है, इससे बड़ी भूल दुनिया में और कुछ नहीं है। ये अपने अनुभव के विरुद्ध है। सुख तुम्हारे ज्ञान में फुरफुराता है कि बाहर फुरफुराता है? तो ज्ञान से बाहर विषय में सुख है, इससे बड़ी भूल दुनिया में दूसरी और कोई नहीं है। और यहां तो कुएं में ही भांग कर गई,
सुख ढूंढने के लिए जंगल में निकल गया कि जंगल में सुख मिलेगा। जंगल में रंग बिरंगी चिड़िया मिल सकती है, रंग बिरंगे फूल मिल सकते हैं, और किसी एक पर जब नजर नहीं जमेगी तो दुख भी नहीं होगा। नई नई चीज सुरखुरा रही है तो ऐसा सुख तो उच्छृंखल व्यभिचारी से भी होता है। तो किसी स्त्री के वियोग का दुख नहीं होगा, जो उच्छृंखल व्यभिचारी होगा उसको किसी स्त्री के वियोग का दुख नहीं होगा। पर क्या सुख स्त्री में है? नए नए दृश्य देख रहे हैं, नया नया सिनेमा देख रहे हैं, नया नया देश देख रहे हैं, नए नए फूल देख रहे हैं, नए नए फल देख रहे हैं, बड़ा मजा है। तो बड़ा मजा ये है कि वहां तुम्हारी कहीं आसक्ति जो नहीं जुड़ती है ना, आसक्ति नहीं जुड़ने से दुख नहीं होता है। इस दुख न होने को ही तुम मजा समझते हो। ऐसे है ये तो क्या नाम है, अपने श्रोताओं को रोज कुछ न कुछ वैराग्य की बात भी तो सुनानी चाहिए ना। तो धर्म, धर्म वो चीज है जो बाहर से सुख की भ्रांति को निकाल दे। जैसे आप समझो ब्रह्मचर्य धर्म है, तो ब्रह्मचर्य क्या धर्म है? भोग से सुख मिलता है कि शांति से सुख मिलता है? तो ये अनुभव है महात्माओं का कि भोग से जो सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख शांति से मिलता है। तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये वेद में लिखी हुई बात है इसलिए सच्ची नहीं है। ये आप ईमानदारी के साथ इसको करके देख लो, दस तरह का भोजन घर में बना के खाना, इसमें सुख है कि अपने अनुकूल रोटी दाल बना के खा लिया पेट भर और स्वस्थ रहे, इसमें सुख है। स्वास्थ्य का सुख रोटी दाल में है, और बीमारी का सुख, दवा का सुख, डॉक्टर बुलाने का सुख है, ये सब अधिक भोजन में है। तो धर्म उसको कहते हैं जो हमको ये प्रतीत करा दे कि सुख बाहर के विषयों के भोग में नहीं है, बल्कि अपने हृदय की वृत्ति के निर्माण में है। अभी चाहे स्नान करने से हो गए तब भी ठीक है, और स्नान न करने से हो गए तब भी ठीक है ना। अंतकरण की वृत्ति भोग रहित अंतकरण में सुख का दान कराए, दान करके किया कि दान न करके किया, ये विवक्षित अर्थ नहीं है उसका। स्नान करके किया कि बिना स्नान के किया, ये नहीं। मैं पवित्र हूं ये अनुभव होना चाहिए, धर्म का ये काम है कि मैं पवित्र हूं ये अनुभव हो, है ना। तो किसी का मंत्र से होता है, किसी का स्नान से होता है, किसी का ध्यान से होता है, किसी का विवेक से होता है। मैं पवित्र हूं ये अनुभव होना चाहिए। धर्म का फल है अपने अहम में उत्तम विशेषण को जोड़ देना, और अधर्म का फल है अपने अहम में निकृष्ट विशेषण को जोड़ देना। ब्रह्म ही ब्रह्म करने से काम नहीं चलेगा, तभी धर्म को भी जोड़ना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा, ये धर्म संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो मन में आए सो ही बोल दो,
कुछ तो सोच विचार से बोलना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उससे कहीं बाद में हमको गुलामी तो नहीं होगी, कहीं हम दूसरे को दुख पहुंचा के खुद दुखी तो नहीं हो जाएंगे। सोच से तो बोलना चाहिए, जो मन में आएगा सही बोलना, जबान को रोक के बोलना चाहिए, जो मन में आए सोई करना, जो मन में आए सोई भोगना, है ना। तो नहीं, औचित्य नहीं छोड़ना, बोलने में औचित्य नहीं छोड़ना, करने में औचित्य नहीं छोड़ना, भोगने में औचित्य नहीं छोड़ना, औचित्य रहे। और एक जो सत्य का जिज्ञासु है उसके लिए वचन में, कर्म में, भोग में कितना आवश्यक है इस पर ध्यान रखना। हम ऐसे एक वैज्ञानिक को जानते हैं जो जब विज्ञान की खोज में तन्मय होता है तब मैंने खाया है कि नहीं ये उसको याद नहीं रहता, मेरे शरीर पर कपड़ा है कि नहीं उसको याद नहीं रहता। और तुम ब्रह्म को ढूंढने चलो, ये कोई कौतूहल, कौतूहल वाले को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। जो कौतुक बस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलता है कि जरा देख रहा है इसमें क्या है, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो धर्म और ब्रह्म, तो धर्म का फल यही है कि हमारी वृत्ति बाह्य भोग के बिना भी केवल जीवन निर्वाह से संतुष्ट रहे, जीवन निर्वाह। और ज्ञान भिन्न भिन्न विषयों को प्रकाशित न करके केवल स्वरूप के प्रकाश से संतुष्ट रहने लग जाए, है ना। ज्ञान में विक्षेप की आवश्यकता नहीं रहे भले विक्षेप हो, और आनंद में विषय की आवश्यकता नहीं रहे भले विषय भोग हो, और जीवन में बहुत सी वस्तुओं और कर्मों की आवश्यकता न रहे, आवश्यकता न रहे इस पर जोर है, भले बहुत सी वस्तुएं रहे और बहुत से कर्म रहे, ये धर्म का काम है। जीवन माने सत्ता, हमारी सत्ता बहुत से कर्म और वस्तुओं के पराधीन न हो जाए, हमारा ज्ञान विक्षिप्त, बहुत से विषयों का ज्ञान विक्षिप्त न हो जाए, और नारायण हमारा आनंद भोग के और संग्रह के पराधीन न हो जाए। ये धर्म यही काम करता है, धर्म सच्चिदानंद का पहरेदार है, धर्म जो है ये सच्चिदानंद का पहरेदार है। तो ये जब अंतःकरण में रहता है, पहले का किया हुआ हो चाहे अब किया जा रहा हो, अंतःकरण को ठीक ठिकाने से रखने के लिए ये धर्म होता है। ये जान में भी होता है और अनजान में भी होता है। बहुत से लोगों को हम जानते हैं जिनको धर्म का विवेक नहीं है परंतु उनके जीवन में धर्म है। और कई लोग धर्म के बड़े ज्ञाता हैं परंतु उनके जीवन में धर्म नहीं है। देखो, ब्रह्म और ज्ञान अलग अलग नहीं है, क्योंकि निर्विशेष ज्ञान और निर्विशेष तत्व एक होता है, और सविशेष ज्ञान जहां होता है वहां विशेष और ज्ञान ये प्रकट हो सकते हैं। दृश्य से दृष्टा न्यारा होता है, और विशेष से विशेष को जानने वाला जुड़ा होता है, ये विवेक की पद्धति है। तो आप अब कहो कि पहले धर्म जान लो और फिर कर्म को जानो, अब पहले धर्म को जान लो फिर ब्रह्म को जानो, ये कोई जरूरत नहीं है। धर्म का फल अगर तुमको मिल गया है और वो तुम्हारे अंतःकरण में मौजूद है तो धर्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप जुदा है, ब्रह्म का स्वरूप जुदा है। धर्म ज्ञान का फल जुदा है और ब्रह्म ज्ञान का फल जुदा है। न शेष शेषी भाव है, न अधिकृत अधिकार भाव है,
न क्रम भाव है, तो बोले धर्म ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में फर्क क्या है। मैं देखो बताते हैं ये बात हमको बहुत बहुत जल्दी मालूम हो गई थी। अनुभूति प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, अनुभूति प्रकाश उसका नाम है, विद्याराम स्वामी का लिखा हुआ है, और उन्होंने 19 उपनिषदों का सार अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। एक श्लोक था, मैं जाता था मोतलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए जाता था, तो 14 मील हमारे गांव से पड़ता था, चलते 4 बजे 5 बजे निकलता थे, और फिर 8:30 9 बजे गंगा किनारे पहुंच जाते हैं, स्नान करते नाव पर बैठते, तो कभी नाव करते पैसा होता तो नाव करते, नहीं पैसा होता तो केवल 2 पैसे वाले नाव से पार हो जाते हैं और फिर पैदल चलते 3 मील और पैदल, और पैसा होता तो वहां तक के लिए 3 मील के लिए नाव कर लेते, तो नाव पर बैठ के घंटे 1.5 घंटा लगता उसमें अनुभूति प्रकाश को पहुंचता। नवेद ज्ञानुष्ठानम बिना वेद वेदनम पर्यवस्यति ब्रह्म भी स्थावत फल वेदी परामता। चारों वेद पढ़ जाओ और अनुष्ठान न करो तो वेद का ज्ञान निष्फल चला जाएगा। वेद का ज्ञान करने के लिए है, अनुष्ठान के बिना वेद ज्ञान फलित नहीं होता। ब्रह्म भी स्थावत युवस्या फलवेदी परामता। ब्रह्म ज्ञान को पर विद्या क्या कहते हैं, परा विद्या क्या कहते हैं, भले इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म भी ही स्थावत ही है, अनुष्ठानम बिनैव वेदने नैव, बिना अनुष्ठान के केवल ज्ञान मात्र से ही ये ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो फलित हो जाती है, माने संपूर्ण विद्या और बंधन की निवृत्ति हो जाती है। तो धर्म ज्ञान अनुष्ठानापेक्ष है, और उसका फल क्या है, अभ्युदय, इस लोक में उन्नति और परलोक में उन्नति। धर्मात्मा पर लोग विश्वास करते हैं, अगर प्रजा का विश्वास प्राप्त करना है तो सत्य बोलना चाहिए। थोड़े दिन तकलीफ होगी, पर जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता है और प्रजा का विश्वास प्राप्त होता है, गांधी जी को प्रजा का देखो कितना विश्वास प्राप्त है, बड़े पैमाने पर नहीं छोटे पैमाने पर हम जानते हैं, हम दर्जा 1 में पढ़ते थे बोला, तो हमको दादा ने हमारे पिताना ने 2 रुपया दिया कि जूता खरीद लेना है। अच्छा, दुकान पर गया, मुसलमान की दुकान पर, जूता पहन लिया पाओ में, पूछा कीमत, तो उसने कहा 2 रुपया, तो 2 रुपया दे दिया, तो 8 आना उसने वापस कर दिया, तो नहीं 1.5 रुपया। मैंने सोचा था कि शायद मोल भाव करोगे तो पीछे छोड़ देंगे, तो तुमने मोल भाव नहीं किया तो हम वापस करते हैं, नहीं लेते। और उस दुकानदार के पास पहले जूते से 10-20 जोड़े है ना, अब उसके पास कई लाख की संपत्ति है, लेकिन वो व्यवहार अपने ग्राहकों के साथ वैसे ही करता है, अगर कोई मोल भाव न करे तो ज्यादा नहीं देता है, ईमानदारी से विक्रय करता है। तो ईमानदार आदमी को पहले थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन बाद में जब लोगों का विश्वास जम जाता है, लोक में अभ्युदय, अभ्युदय और परलोक में अभ्युदय, अभिमुख से उन्नति आए, अभ्युदय चारों ओर से उन्नति आकर सेवन करे, ये धर्मात्मा के लिए होता है, परंतु ये धर्म करना पड़ता है, अनुष्ठानापेक्ष है, इसमें तपस्या होती है, इसमें सत्य होता है, इसमें अहिंसा होती है, इसमें ब्रह्मचर्य होता है, इसमें अस्तित्व होता है, इसमें अपरिग्रह होता है, धर्म है, यज्ञ यागादि होते हैं, दान व्रत आदि होते हैं, और ब्रह्म विज्ञान जो है
वो निष्प्रेयस फलम नचानुष्ठानांतरा पेशम। निष्प्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम न तो अनुष्ठानांतरा पेशम। ब्रह्म ज्ञान का फल निष्प्रेयस है, जहां कोई श्रेयस बाकी न रहे तो निष्प्रेयस। निःश्रेयस कोई श्रेयस बाकी न रह जाए, निःशेषम श्रेय। अथवा निष्क्रांतानि श्रेयानि यस्मात्, कोई कुछ बाकी न रहे। ब्रह्म विद्या एक बात तो सो कि दूर हो चीज या भविष्य में होने वाली हो या अपने से अलग हो, तो उसको जानोगे तब भी पाना पड़ेगा ना। पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, इच्छा करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे आप समझ लो कि अमेरिका में कोई चीज है, आप उसको यहां किताब पढ़ के जान भी जाओ, पाने की इच्छा भी करो, तभी प्रयत्न करके वहां जाना पड़ेगा। और एक चीज छह महीने बाद होने वाली हो तो उसको आप जानोगे तो इंतजार करनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा कि जब वो आवे, जब हमको मिल जाए। दूसरी चीज है कि ये चीज बहुत बढ़िया है प्रत्यक्ष, तो यदि उसको जानोगे कि बढ़िया है तो पकड़ना पड़ेगा है? अब समझो कि न वो चीज तुमसे जुदा है, न दूर है, न देर है उसके मिलने में, तुम खुद ही हो वो चीज। अब उसको जानोगे तो क्या होगा? उसको जानोगे तो क्या पाने की इच्छा होगी? दूसरा हो तब न पाने की इच्छा होगे, अपना आपा होगा तो पाने की इच्छा कहां से होगी? फिर पाने के लिए प्रयत्न कहां करना पड़ेगा? तो आप प्रयत्न और इच्छा दोनों से मुक्ति आपको तब मिलेगी जब आप अपने आप को जानोगे। तो बोले भाई हम अपने आप को तो जाने, लेकिन कोई दूसरा आके दबा दे तो? बोले अपना आपा अगर अद्वय हो तो कल्पना करो, केवल आस्था का विषय बनाओ कि कहीं जानने पर ऐसा निकला है कि देश काल और वस्तु का द्वैत तो आप में कभी भासता है और कभी नहीं भासता है। हे भगवान, तब अब डर काहे का? अपना आप ही अद्वय है तो डर काहे का? तो ये हुआ ना कि दूसरे का ज्ञान हो, दूर का ज्ञान हो, देर का ज्ञान हो, तो उसके पाने के लिए इच्छा और प्रयत्न की आवश्यकता होती है, और अपने आप का हो तो नहीं। अभी ब्रह्म कौन है? तो बोलो ब्रह्म कोई होगा? ब्रह्म नारायण, यदि ब्रह्म कोई होवे तो क्या होगा आप जानते हैं? वो ब्रह्म ब्रह्म ही नहीं होगा। मैं कम ब्रह्म, बोलो हाँ। तो मुझसे कम ब्रह्म तो है, परिपूर्ण है, परंतु सिर्फ मैं ब्रह्म नहीं हूं, तो क्या निकलेगा? वो ब्रह्म पूर्ण होगा? अगर उसमें मैं का एक चना उससे बाहर कर दो, मैं का एक सरसों का दाना, एक पोस्त का दाना मैं उस ब्रह्म से जुदा करके कहीं रख दो, तो वो ब्रह्म ब्रह्म होगा क्या? वो ब्रह्म नहीं होगा, भ्रम होगा, क्योंकि उसमें तो छेद है। एक चने भर कम ब्रह्म, एक सरसों के दाने से कम ब्रह्म, उसकी पूर्णता में मैं का अलग होना ब्रह्म की पूर्णता में न्यूनता है। और मैं तो कटी गया, परिच्छन हो गया, ले भाई। अब दूसरी बात देखो, मैं ब्रह्म अगर मैं से जुड़ा होगा तो ब्रह्म की क्या दुर्गत होगी आपको मालूम है? ईश्वर को अपने से जुदा करके हम ईश्वर की दुर्गत कर देते हैं। तो कैसे? कोई भी वस्तु यदि चेतन होगी तो आत्मत्वे न उसका अनुभव होगा। मैं जानता हूं,
और जो जाना जाएगा तो ज्ञेय होगा, दृश्य होगा, और जानने वाला ज्ञाता होगा, चेतन होगा। तो ब्रह्म मुझसे ज्ञेय है कि अज्ञेय है, ये देखो। ब्रह्म अगर मुझसे अलग है, ये प्रश्न था कि ब्रह्म, मान लो कि ब्रह्म मुझसे अलग है, तो मैं उसको जान सकता हूं कि नहीं जान सकता हूं? यदि जान सकता हूं तो वो दृश्य हुआ, विकारी हुआ, जड़ हुआ, परापेक्ष हुआ, पराधीन हुआ, है मेरी सत्ता के अधीन उसकी सत्ता हुई। जब मैं जानूंगा तब जाना जाएगा, तो जड़ हो गया, मुझसे अलग हो करके ब्रह्म जड़ हो गया। अच्छा कहो कि ब्रह्म है तो सही, पर जाना नहीं जाएगा, तो जाना नहीं जाएगा तो कल्पना होगी। अच्छा अन्य रूप से ब्रह्म जाना जाएगा तो जड़ होगा, और नहीं जाना जाएगा तो ब्रह्म कल्पित होगा। ये देखो, ये बात ध्यान में रख लो, ब्रह्म जब आत्मत्व में जाना जाएगा तब ब्रह्म ब्रह्म होगा। आत्मा से आत्मेति उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, वेदांत दर्शन में ये ब्रह्म सूत्र में आगे एक सूत्र है कि आत्मा ब्रह्म है, यही बात समझाई जाती है, और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है यही अनुभव किया जाता है। आत्मेति उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, अनुभव यही होगा कि आत्मा ही ब्रह्म है, और गुरु अंत में उपदेश भी यही करेगा कि आत्मा ही ब्रह्म है, नहीं तो ब्रह्मानुभूति नहीं होगी। अच्छा ब्रह्म हमसे दूर हो तो देश से परिच्छिन्न होगा कि नहीं, और आगे भविष्य में होने वाला हो तो काल से परिच्छिन्न होगा कि नहीं, और हो के मर गया हो तो काल से परिच्छिन्न हुआ कि नहीं, और आगे पीछे न हो अभी हो तो काल से परिच्छिन्न हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा कह लो कि मुझसे ब्रह्म, मुझसे ब्रह्म न ज्ञात रूप में अलग हो सकता न अज्ञात रूप में अलग हो सकता। ज्ञात रूप में अलग हो तो जड़ होगा, और अज्ञात रूप में अलग हो तो कल्पित होगा। और ब्रह्म से मैं यदि अलग हुआ तो ब्रह्मता से अलग होते परिच्छिन्न हो गया ना, टुकड़े टुकड़े हो गया, कट गया। ब्रह्म से अलग होकर ब्रह्म से यदि अलग होगा तो मैं परिच्छिन्न होगा, और मैं से जुदा होगा ब्रह्म तो वो जड़ होगा या अज्ञात होगा, कल्पित होगा। इसलिए ब्रह्म से अलग मैं और मैं से अलग ब्रह्म, इनकी अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अपने आप को ब्रह्म जानते ही अद्वितीयता हो जाती है, माने तब न कोई जड़ है, न दृश्य है, न विकारी है, न अपने से जुदा है। और करने की कोई इच्छा भी नहीं और प्रयत्न भी नहीं। यदि अपने से अन्य होगा तो इच्छा भी बनी रहेगी और प्रयत्न भी बना रहेगा, और यदि इच्छा और प्रयत्न बने रहे तो काहे की मुक्ति? इच्छा वाले की मुक्ति क्या, प्रयत्न वाले की मुक्ति क्या? प्रयत्न वाला तो मजदूर है, जो प्रयत्न करता है तो मजदूर है, और जो इच्छा करता है तो कंगाल है, है? और यदि तुम्हारे अंदर कंगाली और मजदूरी दोनों बनी रही तो तुम मुक्त काहे के? प्रयत्न वाला मजदूर है और इच्छा वाला कंगाल है। यदि तुम मुक्त भी हो गए और इच्छा और प्रयत्न भी बने रहा तो इच्छा और प्रयत्न से सर्वथा छुटकारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मिलता है। इसके बाद न कर्म है, न गति है। देखो न फल है, तीन चीज को ब्रह्म विज्ञान के साथ साथ ये तीन चीज कटनी चाहिए। जब अपने को अनंत अद्वय जान लिया तो कुछ पाने की इच्छा नहीं है और पाने का प्रयत्न नहीं है, कर्म कट गया, और कहीं जाना नहीं है क्योंकि देशांतर ही नहीं रहा तो गति कट गई। अरे स्वर्ग ब्रह्मलोक सब कट गए हो, कहीं जाना नहीं है। न तस्य प्राण उत्क्रामंती, यही वह प्रबिलियंत है। अच्छा बोले फल का उदय होगा, ब्रह्म विज्ञान से फल का उदय होगा, है? और ब्रह्म विज्ञान का फल क्या होगा? सबका फल तो ब्रह्म विज्ञान है ना।
यदि फलां कालांतर हो गए तब फल का उदय हो गए, देशांतर हो गए तो गमनागमन हो गए, और दस्वंतर हो गए तो उसके लिए इच्छा और प्रयत्न हो गए। ब्रह्म विज्ञान के साथ ही द्रव्यांतर, देशांतर और कालांतर तीनों कट जाते हैं। हिमालय में बैठ के ब्रह्म विद्या नहीं सीखी जाती है, वो ब्रह्मज्ञ के साथ मिलती है।